मुंबई पुलिस ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दहिसरपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की को डराकर धमकाकर दो साल से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन लोगों में आरोपी विशाल डिंगा 22 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर बैंगलोर ले जा रहे थे। ये बात जब लड़की की माँ को पता चली तो उसने दहिसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। दहिसर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। जांच में लड़की के मोबाइल का लोकेशन खपोली के टोल नाका के पास ट्रेस हुआ। पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब लड़की का मेडिकल कराया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि लड़की 6 महीने की गर्भवती है। पूछताछ में लड़की ने दुष्कर्म की वारदात में तीन लोगों के शामिल होने की बात कही। पुलिस ने आरोपी राम सबत चौहान 46 वर्षीय को दहिसर से और मुकुंदन अय्यर 21 वर्षीय को बैंगलोर से गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी विशाल डिंगा 22 वर्षीय लड़की को भगा कर ले जाते समय खोपोली से पकड़ा गया है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। तारीख 19/7/2021 को एक महिला ने अपना एक पुलिस ने आके कंप्लेंट दिया कि उनकी 17.5 साल की नाबालिग लड़की खो गई है। उसके मुताबिक तुरंत पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद वो लड़की का मोबाइल नंबर पे सीडीआर निकाल के वो लड़की का कहाँ गई है, किधर गई है, वो कहाँ, तो पता चला है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड वो बेंगलोर में रहता था तो उसके वहाँ गई है एक आदमी को लेके इधर से उनके मदद करने के लिए। तो उसको तुरंत हमारे गुने अन्वेषण के टीम API टोटा और वो टीम तो तुरंत रवाना करके उधर अपना खपोली से बस चलते बस से रियल ट्रैवल्स के बस से उसको ताबे में ले लिया। उस ताबे में लेने के बाद चौकी में आके उनको इंक्वायरी किया तो लड़की ने बताया है कि उनका बॉयफ्रेंड जो है पहले 2 साल से उनका संबंध चल रहा है तो वो बेंगलोर में था, उनके लिए वो जा रहे थे घर से भाग के। और लड़की ने डिटेल बताया है कि और एक आदमी ने उसके साथ संबंध रखा है, ज़बरदस्ती किया है, उसका भी नाम लिया तो उसको भी पकड़ के लेके आए, वो केस में उसको बंद किया है। हाँ, दो जो मुजरिम हैं उनके दहिसर से भी हमने अटक किया है और दूसरा जो